और AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद 700 मदरसों को फिर से खोलेंगे। अजमल ने और क्या क्या कहा, सुनिए। असम में एक बार फिर मदरसे का मुद्दा गर्माता जा रहा है। हेमंता सरकार द्वारा बंद किए मदरसों को फिर से खोलने की बात हो रही है। AIUDF प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर से खोलेंगे। और सर 700 मदरसों वाले अपने बयान को लेकर आप सर प्रतिक्रिया दीजिए। बिल्कुल, हम अपनी जगह पे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर खोलेंगे। बदरुद्दीन अजमल ने CAA के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यह मुद्दा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। कोई गरमाया हुआ नहीं है, CA का काफी है। जैसे इलेक्शन खत्म, CA भी खत्म। अजमल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार का सपना कभी सफल नहीं होगा। मोदी जी जो 400 का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। इंडिया बहुत ऊपर जाएगी, NDA बहुत नीचे आएगी। आपको बता दें कि असम की 14 लोकसभा सीटों में से 5 पर वोटिंग हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा पहले चरण की वोटिंग के बाद कह चुके हैं कि BJP यहां 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी। असम की बाकी बची 9 सीटों पर अगले 2 चरणों में वोटिंग होनी है।